माशाल्लाह जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि अगर सारी शिकार की तैयार की हुई चीज़ें इतनी ही अट्रैक्टिव और इतनी ज़्यादा रिजल्ट वाली हैं, तो फिर क्यों ना कोई एक चीज़ ऐसी हो जिसके ऊपर हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ शिकार खेलें और उसी पर शिकार होता रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों। वजह सिर्फ इतनी से कि एंगलर जो होते हैं, तकरीबन सबका अपना एक माइंडसेट होता है। किसी शिकार के ऊपर सोचा जाता है कि यार इस दफ़ा मैंने रोहू का शिकार खेलना है, यार इस दफ़ा मैंने कतला का शिकार खेलना है, यार इस दफ़ा मैंने चाइना का या मिर्गल का शिकार खेलना है। अब जब उन शिकारों की तरफ आते हैं तो जितने सीनियर शिकारी हैं और जो मोस्ट सीनियर शिकारियों से जिन्होंने शिकार सीखा, उनको इस बात का भी पता होता है, बखूबी अंदाज़ा है कि यार अब जब अगर मैंने शिकार के ऊपर जाना है तो मुझे कतला का अगर शिकार खेलना है तो मुझे कम से कम कतला के शिकार की हुक बेट या चराई खेलनी चाहिए जो मुझे ज़्यादा फ़ायदा दे। अब यहाँ पर असल काम शुरू होता है कि जिसकी वजह से आपको या तो ऐसा रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आपके साथ वालों को देखने को भी नहीं मिलेगा, या आपके साथ ऐसा काम भी हो सकता है कि आपके साथ वालों को शिकार हो और आपको सबसे कम शिकार हो, या फिर हो ही ना, ऐसा भी मुमकिन है। देखिए दोस्तों, एक मकान की छत के नीचे रहने वाले लोगों के भी टेस्ट मुख्तलिफ होते हैं। किसी की चॉइस कैसी होती है, किसी की चॉइस कैसे होती है, इसी तरह से फार्मूले भी अलग होते हैं। ये चराई पाउडर खलबाखला और लाख है, ये टोटली नेचुरल अज्जा से तैयार की गई प्रोडक्ट है। शिकार के लिए तमाम दरिया की और डैमों की छिलके वाली मछलियों के लिए स्पेशल, कम वक्त के शिकार में खेलने के लिए मौसर और बेहतरीन रिज़ल्ट। अब जब फार्मूले अलग होते हैं तो फिर ज़ाहरी बात है उनका रिज़ल्ट भी वैसा ही होता है। देखें दोस्तों, जब ये चीज़ें खेली जाती हैं, एक चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा, जगह, पॉइंट और वक्त बहुत अहम है। ये बहुत डिपेंड करता है एक एंगलर के ऊपर इस चीज़ को जज करने के लिए कि मैं इस वक्त जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर इस वक्त जो मौजूदा पानी है, इस वक्त इस मौजूदा पानी में किस तरह का शिकार होगा, क्या मैं इस जगह पे हुक बेट इस्तेमाल करूं कोई ख़ास, या मैं यहाँ पर अर्थवाम का इस्तेमाल करूं, या मैं यहाँ पर सिर्फ आम सिंपल जो चराई में कैजुअली आम रूटीन में खेलता हूँ, मैं उस चराई को इस्तेमाल करूं। यहाँ पर इस फैसले को करना बहुत अहम होता है। और उस वक्त के अंदर के जिस वक्त के अंदर आपने अभी पॉइंट पर जाके अपनी हुक बेट या चराई को रेडी करना होता है, तो आपको ये फैसला, अगर आप सही फैसला कर जाते हैं उस मौके के ऊपर कि मैंने आज ये शिकार खेलना है और ये पानी आज शिकार का इस मुनासबत से हमारे लिए अच्छा और बेहतर रहेगा, और आप अगर जनाब उसके हिसाब से माल बना जाते हैं, अपनी हुक बेट, ग्राउंड बेट, चराई, जो भी चीज़ आप खेलते हैं उस वक्त में आप बना जाते हैं, तो आपको फिर जनाब वो शिकार होता है जिसे बोलते हैं अड्डे का शिकार, पॉइंट का शिकार। यही सारी मज़ेदारी होती है, यही सब लोग सीनियर शिकारी जो आपके ऊपर नीचे बैठे होते हैं या कोई भी आपके बैठा, वो सिर्फ यही चीज़ नोट कर रहा होता है कि आप कर क्या रहे हैं, आपको शिकार कैसा हो रहा है, क्या शिकार खेल रहे हैं, क्या चीज़ मिला रहे हैं, और कितनी मछली आपके पॉइंट के ऊपर इकट्ठी है, धड़ा कर रही है, और कितनी मछली और कौन सी मछली आपकी डोर के ऊपर हुक हो रही है। अब जब ये सारी चीज़ होती है, फ़र्ज़ करें अगर आपको कतला आपका माल आप खेल रहे हैं और आपको कतला का शिकार हो रहा है, तो आपको जनाब उसकी का माल खेलना है। आज जो वीडियो आपने देखी है, इस वीडियो के अंदर आपको फूल मखनी के बारे में बताया गया, दिखाया गया कि ये ऐसी ताकतवर चीज़ है कि इसको अगर फ्लेम यानी कि माचिस की तीली पे लगा के जलाएं तो माचिस की तीली के जो धुआं उठता है और गंदी स्मेल उठती है जनाब, ये उसको कतई तौर पर नहीं आने देता, सिर्फ आपको इसी की स्मेल महकेगी। जिन दोस्तों ने बनाया, तजर्बा करें, बनाए, आज़माएँ, और जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया वो
इस चैनल के अंदर एंड के ऊपर प्लेलिस्ट आएगी, काइंडली उसको देखकर तैयार करें, बनाएं और मौके की मुनासबत से इसको कतला के हुक बेट में और चराइयों में इस्तेमाल करें ताकि आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिले। ये नेचुरल चीज़ों से बनाया गया है और ये चैनल भी ऐसे आपके लिए चीज़ें की लाए हैं कि जिसके ऊपर तमाम चीज़ें आपके लिए नेचुरल हैं और उसके अंदर बिल्कुल कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है और भरपूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।